आज मैं आपको रूफ के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है? रूफ, डोर और विंडो मैंने ओके पहले आपको बता दिया है, तो आज मैं आपको रूफ के बारे में बताने वाला हूँ और रूफ के अंदर कितने एस्पेक्ट से हम रूफ बना सकते हैं, कितने टाइप के रूफ बना सकते हैं, क्या उनका एडवांटेज है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे कैसे आप बना सकते हैं, स्लॉप का यूज आप कैसे कर सकते हैं रूफ बनाते समय, और सिर्फ उस स्लॉप के ऑप्शंस के थ्रू भी आप जो आपका रूफ का फॉर्म है उसको कितना फ्लेक्सिबल तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सी, दैट इज द डेफिनेशन। व्हाट इज रूफ? अ रूफ इज द टॉप कवरिंग ऑफ अ बिल्डिंग, ये आपको पता है, इंक्लूडिंग ऑल मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन नेसेसरीली टू सपोर्ट इट ऑन द वॉल ऑफ द बिल्डिंग और ऑन अपराइट्स, providing protection against rain, snow, sunlight, extremes or temperature and wind. So that is a simple, quite genuine definition of a roof. अगर बताना हो तो हम बता सकते हैं। Generally roof पता होता है कि क्या होता है roof. अब यहाँ पे मैंने कुछ types यहाँ पे रखे हैं, types of roof like skillion and lean to, open gable, box gable, dormer, hip and valley, gambrel, mansard, butterfly. So these are the some kind of shapes through roof you can make easily in rabbit architecture. Dutch gable banana hai, hexagonal gazebo banana hai, a flat banana hai, cross hipped banana hai, M shaped banana hai, salt box banana hai, shade banana hai. To kaise hum bana sakte hain? Isko agar main practically aapko dikhaun, to maine ek link yahan pe mention kiya hai. Jaise hi hum is link ko copy karte hain, like maine ise copy kiya aur ये मैंने यहाँ पे इसे ओपन कर लिया। तो ये आप देखेंगे इसमें प्रैक्टिकली दिखाया हुआ है, रियलिस्टिक दिखाया हुआ है कि किस तरह से, ये देखिए, गैबल, हिप, मैंसर्ड, गैम्बरल, फ्लैट, स्किलियन, ये सब दिए हुए हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले गैम्बल रूफ। सो गैबल रूफ जो है इट विल लुक लाइक दिस, इस तरह की जो रूफ होती है गैबल रूफ होती है। उसके बाद यहाँ पे इसके पूरे डिटेल्स दिए हुए हैं, प्रॉन्स कॉन्स इसके बताए हुए हैं कंप्लीट। फिर इसमें टाइप्स भी बताए हुए हैं कि कितने टाइप की होती है, साइड गैबल, क्रोज्ड गैबल, उसके बारे में बताया हुआ है। क्रोज्ड में आप देखेंगे इस तरह से क्रोज्ड होती है ये, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। उसके बाद आती है हिप रूफ। हिप रूफ विल लुक लाइक दिस। तो ये आप इनके रेफरेंसेस देख सकते हैं, मैं ये लिंक आपसे शेयर कर लूंगा। मैंसर्ड रूफ इस तरह से है, उसमें टाइप बताए हुए हैं मैंसर्ड रूफ के। फिर उसके प्रॉन्स कौन से, फ्लैट रूफ, ये फ्लैट होती है बिल्कुल, जो जनरली हम यूज करते हैं फ्लैट्स के अंदर, एंड जो आप नॉर्मली हम जो रेजिडेंशियल हाउस बनाते हैं वहां पर। उसके अलावा स्किलियन रूफ इस तरह से है। तो ये प्रैक्टिकल, ये लिंक जो है मैं आपसे शेयर कर लूंगा, इसमें चैट का ऑप्शन होगा आई थिंक। तो देखिए इसमें चैट का ऑप्शन अपियर हो रहा है आपको आपके साइड से। इनवाइट, म्यूट, मोर, इधर नहीं ऑप्शन, इधर नहीं ऑप्शन रिगार्डिंग चैट सर, मेरे पास रिगार्डिंग ऑप्शन है सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो आपको जाता है। आप एक बार करिए जरा, कोई भी हाई का मैसेज करिए। ये आ गया मेरे पास, आ गया, आ गया। मैं आपको लिंक, ये मैंने आपको भेज दिया, देखिए। डिड यू रिसीव द लिंक? यस सर। सो इस पे क्लिक करके आप ये पूरी डिटेल्स इसके बारे में ले सकते हैं। नाउ और कम टू द पॉइंट, अब अगर इसे हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? देखिए, लाइक मैं सबसे पहले यहाँ पे लेता हूँ शेड, यहाँ पे शेड रूफ है, तो शेड रूफ मुझे बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ? तो मैं आता हूँ यहाँ पे सॉफ्टवेयर में, ये मेरा सॉफ्टवेयर है, एंड यहाँ पे मैंने शेड रूफ लगानी है, ये मेरा प्लान है और इस प्लान के ऊपर मुझे शेड रूफ लगानी है। तो इस प्लान पे लगानी है, मैं अलग से एक बना लेता हूँ अगर मुझे अलग से बनाना है तो। यहाँ से मैंने वॉल लिया, एंड ये मेरी हाइट डिफाइन है, तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ये मैंने रेक्टेंगल लिया, एंड देन ये देखिए, तो इस तरह से ये आ गया, ये मेरे कोई भी प्लान की बाउंड्री हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर अगर यहाँ पे मुझे पार्टीशन भी देना है, सो यू कैन ऑल्सो डू द पार्टीशन, लाइक वॉल के लिए शॉर्ट फॉर्म हम WAB प्रेस कर सकते हैं।
अगर इस तरह से हमारा अलाइनमेंट खराब हो जाता है वॉल का और उसे आपको करेक्ट करना है, तो मैंने मॉडिफाई में आपको अलाइन करके ऑप्शन बताया था, इसे आप करेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह से। मान लीजिए ये मेरे पास पूरा लेआउट है। अब लेआउट होने के बाद अभी मैं लेवल 1 पे हूँ और यहाँ से अगर मैं रूफ पे क्लिक करता हूँ, एज यू कैन सी मैंने रूफ बाय फुटप्रिंट किया। सो वंस यू क्लिक ऑन फुटप्रिंट देन आपको यू विल रिसीव अ पॉपअप लाइक दिस, यू हैव क्रिएटेड द रूफ ऑन द लोएस्ट लेवल, आपने लोएस्ट लेवल पे क्रिएट किया है। वुड यू लाइक टू मूव इट टू लेवल 2? तो लेवल 1 पे तो हम रूफ बना नहीं सकते बिकॉज वो तो फ्लोर का लेवल होता है ना। तो अगर शिफ्ट भी करना है तो आप यहाँ से शिफ्ट, जैसे लाइक हमने 1 किया और ओके कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा जो रूफ बनेगा वो लेवल 1 पे बनेगा। लाइक मैंने यहाँ से रेक्टेंगुलर शेप लिया, मैं ये भी कर सकता हूँ, तो डायरेक्ट मैं रेक्टेंगल बना सकता हूँ। लाइक देखिए इस तरह से लाइन अगर मैं लेता हूँ तो मुझे एक एक करके बनाना पड़ेगा इस तरह से 1, 2, 3। सो दैट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। अगर मैं थर्ड यहाँ पे करता हूँ, मैं लाइन से भी नहीं लेता, मैं डायरेक्ट यहाँ से वॉल भी चूज कर सकता हूँ, पिक वॉल्स। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आउटर लेवल पे कंसिडर कर रहा है इसे, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप वॉल को सेलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड मैं एक तरीका और बताता हूँ आपको। लाइक यहाँ से मैंने वॉल को सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने टैब को प्रेस किया। सो वंस आई प्रेस टैब, तो एक वॉल को सेलेक्ट करते ही मेरी ऑटोमेटिकली पूरी बाउंड्री सेलेक्ट हो गई। आई रिपीट द प्रोसेस, जस्ट प्रेस सिंपली टैब एंड देन यू कैन सी इट विल हाईलाइट ऑल द बाउंड्रीज, ऑल द वॉल्स, देन यू हैव टू सेलेक्ट इट इंडिविजुअल वॉल। तो आप देखेंगे सभी बाउंड्रीज ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गई हैं। अभी क्या है, अगर मैं इसको अभी, क्योंकि मैंने लेवल 1 यहां से चूज किया था, तो मैं जैसे ही ओके करता हूं और यहां से 3D में चेक करता हूं, तो आप देखेंगे ये पूरी तरह से यहां से इसके अंदर यहां पे इंटरसेक्ट हो गया है इस तरीके से। ये देखिए लेवल 1 के ऊपर। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे क्योंकि ये कहां बनाना है लेवल 2 पे, सो आई कैन डायरेक्टली शिफ्ट टू लेवल 1 to 2। सो सेलेक्ट 2 एंड देन ओके। सो यू कैन सी ये देखिए लेवल 2 पे आ चुका है। अब क्योंकि मुझे इसे शेड बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूं, तो अगेन आई क्लिक ऑन लेवल 2, सेलेक्ट द रूफ एंड देन एडिट। अब एडिट करने के बाद यहां से मैं 3 साइड को सेलेक्ट करता हूं, यहां पे तीनों को सेलेक्ट करता हूं, तीनों बाउंड्रीज को सेलेक्ट करता हूं और डिफाइन स्लोप को मैं ऑफ कर देता हूं। ओके, सो डिफाइन स्लोप को ऑफ करने के बाद व्हेन आई क्लिक ओके देन 3D सी, तो इस तरह से आ गया है, देख पा रहे हैं आप। अब ये मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए, तो एक्स्ट्रा करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, लेवल 2 पे जाता हूँ। अब ये जो एग्जिस्टिंग शेप है मैं इसे डिलीट करता हूँ, अगेन मैं वॉल पे सेलेक्ट करता हूँ और यहां से मैं ओवरहैंग डाल देता हूँ। ये मेरे पास ओवरहैंग करके ऑप्शन है, तो मुझे 1.5 फीट जो है मुझे ओवरहैंग चाहिए, तो मैंने डिफाइन किया एंड देन टैप प्रेस किया, सेलेक्ट ऑल किया, तो आप देखेंगे ये बाउंड्री जो है यहाँ पे ओवरहैंग हो गई है, बाहर आ गई है। And then again select those 3 sides and then turn it off. Define slope मैंने off किया and then okay. So again see, ये देखो बाहर आ गया है, यहाँ पे 1.5 feet बाहर आ गया है। See अभी मेरा जो angle है वो बहुत ही ज्यादा है, तो मैंने इसे select किया। Select करने के बाद अभी एक तो आप यहाँ पे देख सकते हैं slope करके dimension के अंदर ये 9 inch का slope आ रहा है, मुझे ये करना है like 4 inch का slope करना है और मैंने okay किया, तो आप देख पाएंगे इस तरह से आ गया ये। इसके बाद अभी जितनी भी मेरी वॉल्स हैं, ये वॉल्स मुझे इसके साथ कनेक्ट करना है, लेकिन अगर मैं वॉल को डायरेक्टली स्ट्रेच करता हूँ, सो एज यू कैन सी क्योंकि हाइट यहाँ पे स्लोप है, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे ये कनेक्ट है बट यहाँ पे ये बहुत ज्यादा बाहर आ गया है। सो इसके लिए मैंने आपको पहले भी ऑप्शन बताया था, एक वॉल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अटैच टॉप करेंगे। तो वंस यू क्लिक ऑन अटैच टॉप देन देयर इज अ ऑप्शन अटैच वॉल टॉप एंड बेस। So there is 2 option, one is top, second is base. So when you choose top and select roof, तो आपका top जो area है वो remove हो जाएगा and base जो है वो connect हो जाएगा and it will look like this. और इसमें अगर आप सभी walls को एक साथ select करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे simply एक wall को select किया मैंने, ऐसे press किया for select all, ये मेरी पूरी category यहाँ पे select हो चुकी है। Select करने के बाद attach top and select top, select the roof. तो ये देखिए ये बन गया इस तरह से रूफ यहाँ पे। तो ये जो मेरा रूफ का स्टाइल बना है, ये मेरा स्टाइल है दिस वन शेड, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्लियर। इसी तरह से मुझे यहाँ पे बनाना है सेल्ट बॉक्स, तो ये सेल्ट बॉक्स करके मेरे पास एक ऑप्शन है, मुझे इस तरह से अगर बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ, तो देखिए अगर यहीं पे मुझे कॉपी लेना है
मैं वॉल को सिलेक्ट करता हूँ, एस से प्रेस करता हूँ एंड देन इसका मैं कर लेता हूँ कॉपी। तो मैंने कॉपी पे क्लिक किया, यहाँ से मैं मल्टीपल ले लेता हूँ, 2 and 3 and 4। ये मैंने कॉपी किया, इसको मैं हाइड कर लेता हूँ एच एच से एंड अगेन ये मेरा 3D व्यू आ गया, इसे भी मैं हाइड कर लेता हूँ। तो यहाँ मुझे बनाना है, तो बनाने के लिए अगेन मैं लेवल 2 पे जाता हूँ, यहाँ से मेरे पास ऑप्शन है रूफ, मैंने सेलेक्ट किया एंड देन अगेन सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने टैब के साथ सेलेक्ट किया, सेलेक्ट वॉल, ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया, ओके। अब यहाँ पे मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने डिफाइन स्लॉप को ऑफ किया। अब मैंने इस इंडिविजुअल स्लॉप को सेलेक्ट किया, दिस वन दैट इंडिविजुअल स्लॉप, और इनके स्लॉप को मैं अलग अलग जो है वो दे सकता हूँ। लाइक मैंने इसको दिया 2 inches स्लॉप और ये मेरा है 9 inches स्लॉप, मैंने ओके किया एंड देन ओके किया। अभी आप क्या देखेंगे, इट विल लुक लाइक दिस, ये देखिए। तो ये इस तरह का बन गया है। अगेन मैं सेलेक्ट करता हूँ, अब ऐसे अगर मैंने प्रेस किया तो ये सारी वॉल सेलेक्ट हो जाएंगी। सो मुझे चाहिए सिर्फ इस मॉडल के वॉल्स, तो मैंने टैब के साथ सेलेक्ट किया एंड देन अगेन टॉप अटैच सेलेक्ट। तो ये देखिए बन गया इस तरह से, ये देखिए। तो ये मेरा सेकेंड टाइप हो गया। सो ये जितने भी टाइप है ना सभी एक्सपेरिमेंटल हैं, मतलब आप सभी को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लाइक मैं थर्ड आपको दिखाता हूँ, मैंने अगेन HR किया। HR हम यूज करते हैं शो करने के लिए, टेम्परेरी कुछ भी हमने हाइड किया है, और HH यूज करते हैं हाइड करने के लिए, अगेन विच इज टेम्परेरी। तो मैंने दोबारा लेवल 2 किया, यहां से मैं लेता हूँ रूफ, अगेन मैंने सेलेक्ट किया, यहां से वॉल पिक। अब मैं यहाँ से लाइन भी ले सकता हूँ, लेकिन अगेन ना लाइन मुझे एक एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, और लाइन के केस में प्रॉब्लम क्या हो जाती है, कई बार इनसाइड पॉइंट सेलेक्ट हो जाता है, ये आउटसाइड रहता है और ये इनसाइड रहता है, इसलिए आई ऑलवेज प्रीफर यू टू चूज दिस वन पिक वॉल्स। सो पिक वॉल्स एंड देन चूज टैब फॉर, अब यहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड ये भी आप देख सकते हैं, इनसाइड लेना है कि आउटसाइड लेना है, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं, मैंने आउटसाइड चूज किया। ओके, उसके बाद अब मैं इस बार हॉरिजॉन्टल वॉल को, वर्टिकल वॉल को सेलेक्ट करता हूँ, डिफाइन स्लॉप मैंने ऑफ कर दिया एंड अभी आप देखेंगे जैसे ही मैं ओके करूंगा सो इट विल लुक लाइक दिस, ये देखिए। तो ये एक अलग तरह का मेरा रूफ बन गया है। अब मुझे इसका स्लॉप जो है वो कम करना है, तो मैं सेलेक्ट करूंगा और मेरा ओवरऑल जो स्लॉप है वो मैं यहां से कर सकता हूँ 5 inches एंड देन ओके। सो सेलेक्टेड एंड देन अटैच एंड देन ओके, सो इट विल लुक लाइक दिस, ये देखिए। तो ये एक अलग तरह का रूफ बन गया मेरा, और पूरी एक्यूरेसी के साथ मैं इसे बना सकता हूँ, जितना मुझे स्लॉप डालना है उतना मैं स्लॉप डाल सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मैं इस पे आता हूँ, अगेन मैंने लेवल 2 सेलेक्ट किया, यहां से सेलेक्ट करते हैं रूफ, सेलेक्ट किया मैंने वॉल्स एंड डिफाइन स्लॉप अगर मैं ऑफ कर देता हूँ पहले ही, और टैब के साथ मैंने इसे सेलेक्ट किया तो कोई स्लॉप नहीं है आप देखेंगे यहाँ पे, ओके मैंने किया एंड देन 3D, तो आप देखेंगे ये फ्लैट बन गया है रूफ, बिल्कुल फ्लैट रूफ बन गया है इस तरह से। तो ये भी आप बना सकते हैं। इसके बाद अगेन कुछ और मैं आपको एक दो शेप और दिखा देता हूँ, ये मैंने बनाया लाइक इसको मैं शिफ्ट के साथ इसे सेलेक्ट करके अनसेलेक्ट कर दिया और अगेन कॉपी अगेन मल्टीपल Select and move to 1 and 2. Fine. इस तरह से आ गया। इन तीनों को मैंने सेलेक्ट किया, डायरेक्टली मैं मूव कर सकता हूँ सेलेक्ट एंड मूव, तो ये मैं यहाँ ले आता हूँ। नाउ लेवल 2, अब देखिए जितनी भी रूफ है ना ये आपको कट नजर आएंगे, जैसे यहाँ पे आप टॉप से देख रहे हैं तो ये भी कट नजर आ रहा है,
ये भी आपको प्रॉपर नजर नहीं आ रहा, ये भी हाफ कट नजर आ रहा है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है यहाँ पे प्रॉपर्टी। मैं इस प्रॉपर्टी को अगर पूरा पूरा देखना चाहता हूँ तो मैं ड्रैग करके भी देख सकता हूँ, या फिर स्क्रॉल करके मैं नीचे आता हूँ और मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है एज यू कैन सी व्यू रेंज। क्लियर? सो जैसे हम व्यू रेंज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप यहाँ पे दिया हुआ है कहाँ तक मेरा टॉप है। तो मैंने लाइक लिया यहाँ से 15 फिट, और मुझे कट कहाँ पे दिखाना है। अब ये जो कट दिख रहा है ना आपको, 4 फिट पे कट है, इसलिए ये यहाँ लेवल 2 से 4 फिट ही ऊपर दिख रहा है, मतलब लेवल 2 10 फिट पे 4 फिट ऊपर, तो 14 फिट पे कट है सारे। तो इसलिए आप देख रहे हो ये भी कटिंग नजर आ रही है, ये भी कटिंग नजर आ रही है सारी। मैं इसे कर देता हूँ 18 फिट या फिर 15 में तो नहीं होगा, तो इससे मुझे करना पड़ेगा लेवल 2 से 15 फीट ऊपर है ना, तो मैं लेवल 2 से 10 फीट ऊपर कर सकता हूँ। तो आप क्या देखेंगे, देखो पूरे पूरे आ रहे हैं ना, अभी सारे शेप आपको प्रॉपर नजर आ रहे हैं, ये भी पूरा नजर आ रहा है, ये भी पूरा नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं, व्यू रेंज को आप चेंज करके देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट में अगेन रूफ पे जाता हूँ, यहाँ से मैंने रूफ सेलेक्ट किया। अभी यहाँ से मैं कुछ और चेंज करता हूँ, लाइक मैंने इसको सेलेक्ट करके स्लॉप को मैंने ऑन किया, टैब प्रेस किया, इसको सेलेक्ट किया, टैब सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद अभी ना मैं इसके अंदर एक और शेप बना देता हूँ। लाइक मैंने इतना इतना एक शेप बना दिया, और बनाने से पहले इसका मैं स्लॉप कर देता हूँ ऑफ। तो ये मैंने दूसरा शेप बनाया इसके अंदर, और ये मैं प्रॉपर डिस्टेंस भी बता सकता हूँ, लाइक मुझे हर साइड से 5-5 फिट अंदर चाहिए। तो अगेन मैंने यहाँ से लिया पिक लाइन, और यहाँ से मैंने ऑफसेट दिया 5 फिट, एंड देन इस पे मैं आया, मैंने प्रेस किया टैब, यहाँ से भी ले सकते हैं 2, 3 एंड 4, या फिर आप एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते थे एजेस को। अभी हम कॉर्नर ले सकते हैं 1, 2, 3, 4, अभी प्रॉपर डिस्टेंस पे। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप देखेंगे ना ये ऑटोमेटिकली कट हो गया यहाँ पे, एंड इट विल लुक लाइक दिस। ये देखिए इस तरह से आ रहा है, इस तरह से। तो इसमें भी आपको कोई ना कोई शेप मिल जाएगी इस फॉर्म के अंदर भी, लाइक ये वाली शेप मुझे बनानी है, डच गैबल बनाना है, तो डच गैबल भी मैं इसी फॉर्म में बना सकता हूँ। अगर मुझे मेंसर्ड बनाना है तो अब इसके ऊपर मैं कर्टेन लेके इसे मेंसर्ड भी बना सकता हूँ। तो ये दोनों ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, इन दोनों में से मैं कोई भी शेप बना सकता हूँ। तो ये देखिए, या फिर ये वाली शेप मुझे बनाना है कॉम्बिनेशन वाला, तो कॉम्बिनेशन भी मैं बना सकता हूँ। तो पहले मैं आपको कॉम्बिनेशन बता देता हूँ, फिर डच गैबल बता देता हूँ, और फिर दूसरा बता देता हूँ। तो देखो कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ से अभी मुझे एग्जैक्ट इसकी हाइट निकालनी है कि ये जो कटिंग है ना वो कितनी हाइट के ऊपर है, या फिर मैं डायरेक्ट लेवल 2 से भी बना सकता हूँ। मैंने लेवल 2 लिया, यहाँ से मैंने रूफ लिया अगेन, एंड देन यहां से मैंने लिया पिक लाइन, ऑफसेट मैं कुछ रखता नहीं हूं, स्लॉप मैंने ऑन कर दिया, तो 1, 2, 3 एंड 4, एंड देन ओके। तो अभी ये ना थोड़ा नीचे दिखेगा आपको, ये देखिए नीचे जा रहा है ना। तो आपको सिंपली क्या करना है, लेवल 2 से मैं एक सेक्शन अप्लाई करता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास एक ऑप्शन है सेक्शन का, ये मुझे मिलेगा व्यू सेक्शन। ये मैंने एक सेक्शन प्लेस किया एज यू कैन सी, अगर मैं सेक्शन फ्लिप करना चाहता हूँ तो फ्लिप भी हो जाएगा, एंड देन ओके। तो अभी आप देखेंगे ना ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, मतलब मेरी जो हाइट है मुझे इसको थोड़ा ऊपर लेके जाना है, तो मैं डायरेक्टली भी इसे सेलेक्ट करके मूव कर सकता हूँ, सेलेक्ट मूव, और मुझे इसे इस हाइट पे लेके जाना है। तो एज यू कैन सी इट विल लुक लाइक दिस। अगर मुझे इसको थोड़ी हाइट में, मतलब सेम अलाइनमेंट में लेके जाना है, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ फिक्स कर दूंगा। तो देखिए एक अलाइनमेंट आ गया यहाँ पे, दिख रहा है आपको, और 3D में आप देखेंगे yes, ये देखिए। और इसका मैं एंगल बदल सकता हूँ, लाइक मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मेरा जो स्लॉप है वो मैं यहाँ से कर देता हूँ लाइक 3 inches, एंड देन अप्लाई, सो विल लुक लाइक दिस। ये देखिए तो ये चेंज हो जाएगा, जो भी एंगल आप रखना चाहें वो एंगल आप रख सकते हैं। लाइक मैंने अगर इसे 9 inches रखा, अप्लाई किया, और मैं इसे चेंज कर देता हूँ क्योंकि मुझे अब इसमें लगाना है कर्टेन, तो मैं कर दूंगा इसे स्लॉप ग्लेजिंग। तो अब ये देखो, अब ऊपर वाला जो पोर्शन है ये पूरा पूरा पोर्शन ग्लास में आ गया इस तरह से, दिख रहा है। और इसके अंदर भी अगर मैं सेक्शन एक्टिवेट करता हूँ, लाइक मैंने सेक्शन किया एक्टिवेट, और मैं इसे मूव करना चाहता हूँ फ्रॉम दैट पॉइंट टू दैट पॉइंट, फ्रॉम दैट पॉइंट टू एग्जैक्टली दैट पॉइंट, लाइक दिस।
एंड देन 3D, ये देखिए तो ये इस तरह से अपीयर हो रहा है, ये इस तरह से अपीयर हो रहा है। इसमें भी अगर आपको फ्लैट यूज करना है तो आप फ्लैट भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली इसे सेलेक्ट करके। मेरे पास एक ऑप्शन आता है आर्किटेक्चर में, एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कर्टेन सिस्टम, तो मैंने सेलेक्ट किया। ये मासिंग में काम करता है, लाइक जब आप मासिंग के फेस को सेलेक्ट करके क्रिएट सिस्टम करते हैं तो मासिंग का पूरा रेफरेंस प्लेस ग्लास वॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अभी मुझे इसमें इंडिविजुअली करना है, जिस भी फेस पे मुझे करना है मलियंस देने हैं, तो मैं डायरेक्टली कर्टेन ग्रिड पे क्लिक करूंगा और जहां जहां मुझे यहाँ पे रखना है, लाइक हॉरिजॉन्टल रखना है तो मैं हॉरिजॉन्टल रख लेता हूँ 102, देन अगेन सेम डिस्टेंस ऑन द सेम डिस्टेंस 102, 1 and 1 on the middle side, like this. एक रेफरेंस यहाँ ले लेते हैं 1, आ गया। अब इतना करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहां से जाना है मलियंस पे, ऑल ग्रिड्स करना है, यहां से आपको चूज करना है टाइप और यहां से साइड करना है सेलेक्ट 1, 2 एंड देन 3 एंड देन 4। तो आप क्या देखेंगे, इट विल लुक लाइक दिस, ये देखिए। तो प्रॉपर तरीके से ये आपका जो कर्टेन रूफ आप बनाना चाहते हैं वो आप इजीली इसके अंदर बना सकते हैं, इंक्लूडिंग आपकी स्टैंडर्ड जो रूफ है उसके अंदर। अगर मुझे फ्लैट रखना है तो मैं फ्लैट भी बना सकता हूँ। फ्लैट के लिए मैं दोबारा यहाँ से लेवल 2 मैंने एक्टिवेट किया, यहाँ से मैं लेता हूँ रूफ, अगेन ये मैंने रूफ लिया, इसके लिए मैं दोबारा चूज करता हूँ दिस वन, यहाँ से मैंने किया एक्सटेंड टू वॉल कोर। अगर मैं वॉल कोर तक एक्सटेंड करता हूँ तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे मैंने ऑफसेट लाइक इसको 0 कर दिया ओवरहैंगिंग को, और मैं वॉल को सेलेक्ट करता हूं तो ऑटोमेटिकली कोर को सेलेक्ट करेगा एक्सटेंड टू वॉल कोर। अगर मेरी वॉल कोर एक्सटेंड हो रहा है मतलब बाहर जा रहा है तो वो ऑटोमेटिकली उसको भी सेलेक्ट करेगा। अभी मैं इसे यहां से रख लेता हूँ टू फिट, डिफाइन स्लॉप को मैंने ऑन रखा, टैब के साथ मैं इसे करता हूँ सेलेक्ट, ये मैंने सेलेक्ट किया। नाउ अभी यहां पे क्या करते हैं, यहां पे मैंने एक स्लोप को यहां से कर दिया ऑफ, तो अब मैं इसे ओके करूंगा तो आप देखेंगे जो स्टाइल है विच इज कंप्लीटली डिफरेंट एंड इट विल लुक लाइक दिस। ये देखिए एक साइड ऐसे आ रहा है और दूसरा साइड ऐसे आ रहा है, तो अगेन सेलेक्ट विद टैब एंड देन अटैच विद दिस वन, ये देखिए तो ये कुछ इस तरह का रूफ बन गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और इनकी प्रॉपर्टी कभी भी आपको चेंज करनी है, लाइक ये वाला जो मेरा रूफ है इसकी टाइप में मैं जाता हूँ प्रॉपर्टी में और मुझे यहाँ पे स्टील ट्रस देना है, स्टील ट्रस इंस्टॉलेशन विद मेटल डेक, तो मैं जैसे सेलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे प्रॉपर्टी पूरी तरह से यहाँ पे चेंज हो गई है इसके। तो मैं यहाँ से भी सेलेक्ट करके चेंज कर सकता हूँ, सेलेक्ट किया ये वाला मुझे चाहिए यहाँ पे वूड, तो ये मेरा वूड में आ गया, ये देखिए ये इस तरीके से। इसके अलावा लाइक मैंने इसे सेलेक्ट किया और ये मुझे चाहिए जेनरिक या कोई भी नया मटेरियल मुझे चाहिए, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा इसे सेलेक्ट करके सिर्फ मुझे इस पे अप्लाई करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं डुप्लीकेट करना पड़ेगा एंड देन उसकी प्रॉपर्टी में जाके एडिट में जाके आप यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं। थिकनेस को चेंज करना है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे जो मेरी थिकनेस है वो 6 inches, अब क्योंकि मैंने डुप्लीकेट किया है तो वो थिकनेस सिर्फ इसकी चेंज होगी। अब देखो सबकी हो गई चेंज, क्यों हुई सबकी चेंज, बिकॉज ये देखो मैंने इसको डुप्लीकेट नहीं किया था, डुप्लीकेट मैं कर लेता हूँ 6 inch रूफ, ये मैंने रिनेम कर दिया, एडिट किया एंड देन 6 inch एंड देन ओके। तो सिर्फ मेरा जो चेंज होगा वो इसी रूफ के अंदर होगा, बाकी किसी में नहीं होगा, तो ये भी कर सकते हैं। अगेन एक टाइप और बता देता हूँ मैं इसके अंदर आपको, रूफ किया मैंने, ये मैं लास्ट बता रहा हूं आपको, बाकी फिर आप अपना अपने एंड से आप एक्सपेरिमेंट कितना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से मैंने ये स्लोप आप यहां से भी ले सकते हैं, स्लोप एरो, मान लीजिए आप एक यहां से स्लोप को मैंने ऑफ किया, टैब के साथ मैंने इसे सेलेक्ट किया। अब इसका जो भी डायरेक्शन मैं रखना चाहता हूं ना, इस रूफ का जो भी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मैं स्लोप करना चाहता हूं, तो मैं स्लोप एरो भी लगा सकता हूं,
लाइक मैंने स्लॉप एरो लगा लिया, मैं फ्रंट से बैक की तरफ इसे रखना चाहता हूँ, तो मैंने ये एरो लगाया और मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप क्या देखेंगे, ये देखिए, तो जिस एरो में, जिस डायरेक्शन में मैंने एरो लगाया, उसी डायरेक्शन में वो जो मेरा रूफ है वो ऑटोमेटिकली डिजाइन हो गया, ये देखिए। अगर मैं इसे चेंज करना चाहूं तो मैंने रूफ को सेलेक्ट किया और यहां से मैंने एडिट किया, एरो की डायरेक्शन को मैं बदलना चाहता हूं तो मैंने एरो स्लॉप को इधर से इधर कर दिया एंड देन मैंने ओके किया। अभी आप 3D में देखेंगे विल कम्प्लीटली चेंज, दैट विल कम्प्लीटली चेंज एंड विल लुक लाइक दिस, ये देखिए ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से रूफ के अंदर आप अलग अलग जो भी चेंजेस करना चाहें, जिस तरह के आप रूफ बनाना चाहें वो बना सकते हैं। एक सर्कुलर मैं और बता देता हूं आपको, एंड इट विल लाइक हेक्सागोनल गेजेबो, ये आपको बनाना है इस तरह से, तो ये भी हम बना सकते हैं। इस तरह का इंटरसेक्शन बता देता हूँ, ओवरलेड हिप इस तरह का, और एक ये गैम्बरेल बता देता हूँ। ये तीनों अलग अलग हैं तो ये स्टैंडर्ड में कवर नहीं होते, इसलिए मैं तीनों बता देता हूँ। पहले तो हेक्सागोनल ले लेते हैं, सेलेक्ट करता हूं लेवल और कॉपी कर लेता हूं यहां पे, ये मूव हुआ, कॉपी मूव हो गया शायद, कॉपी टेस्ट, एंड इसके अंदर भी मैं क्या करता हूं, वॉल लेता हूं और यहां से ये मैंने एक पोर्शन इसमें डिजाइन कर दिया, यहां पे यही चेंज हो रहा है मेडल, नो प्रॉब्लम। तो एक साइड को हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं, ये मुझे चाहिए 3000, ये मेरा आ गया यहाँ पे, और यहाँ से मैं कर लेता हूँ मिरर सेलेक्ट एंड देन ये मेरा आ गया दूसरी साइड, ये मैंने कर दिया कवर। तो ये मेरी इस तरह से डिटेल्स जो हैं वो इस तरह से आ गई हैं। तो एक तो डिजाइन मेरा हो गया ये, एंड एक मैं यहां से ले लेता हूँ वॉल, और हेक्सागोनल बनाना है मुझे तो नंबर ऑफ साइड्स में ले लेता हूँ यहां से 8, और ये है मेरा यहाँ पे। अब यहाँ पे भी मुझे रूफ लगाना है तो देख लेते हैं तीनों को। सबसे पहले लेवल 2 एक्टिवेट किया, यहां से गए हम रूफ पे, यहां पे आने के बाद एक मैंने इसे सेलेक्ट किया, दूसरा मेरा इसे सेलेक्ट किया, और अभी देखिए अगर मैं यहां से इसे डिलीट कर दूं तो भी प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे फिर कनेक्ट करने के लिए लाइन नहीं मिली। अगर मैं यहां से ट्रिम करूं, कॉर्नर बनाऊं तो भी प्रॉब्लम, क्योंकि ये मेरा गैप यहां से चला गया और मैं यहां से अभी इसे कर नहीं सकता, तो फिर क्या करें। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है कि आप सीधा इसको पहले स्प्लिट कर दें बीच में से, कहीं से भी कर दें, और फिर कॉर्नर बना दें इसको, और फिर कॉर्नर बना दें इसको। तो ये मिल गया हमें प्रॉपर, ठीक है, शेप मिल गया। तो यहाँ पे हमने बनाया, इसी तरह से हम इधर भी बना सकते हैं, लाइक मैंने ये मैंने इधर बना दिया एंड अगेन मैंने स्प्लिट कर दिया, और यहां से मैं कर सकता हूँ कॉर्नर 1 एंड देन 2, और इसे मैं कर सकता हूँ डिलीट। तो ये मेरा शेप इस तरह से आ गया। मैं जैसे ही ओके करता हूँ एंड यहां से सेलेक्ट ऑल, डिफाइन स्लॉप एंड देन ओके, नाउ सी विल लुक लाइक दिस, ये देखिए दिख रहा है, यस। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर इसके अंदर भी अगर मैं यहां से ये मैंने लिया रूफ, कौन से वाला स्टाइल था ये, दिस वन, देखो ये वाला डच गैबल, ये डच गैबल नहीं हुआ ना जिसमें ओपनिंग है, ये ओपनिंग कैसे, जैसे मैं अब आपसे पूछता हूँ, काफी सारे स्टाइल हमने कर लिए, अगर इस तरह की शेप बनानी है तो कैसे बनाएंगे, बताएंगे, यस सर, बताएं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं सिंपल बना देता हूँ ताकि, ये मैंने लिया फुटप्रिंट दिस वन विद द हेल्प ऑफ टैब, ये मैंने बनाया ओके, ये मैं इसका स्लॉप ले लेता हूँ सेलेक्ट एंड देन यहाँ से मैंने स्लॉप ऑन कर दिया ओके,
अभी मेरा सिंपल आ रहा है इस तरह से, अब मुझे उसके जैसा बनाना है, सिमिलरली मुझे यहाँ से ओपनिंग देनी है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ बताइए। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे सेलेक्ट करेंगे, एडिट करेंगे, और जितना जितना पोर्शन मुझे रखना है उतना उतना पोर्शन मैं यहाँ से पहले इसे कट कर दूंगा। लाइक ये सेलेक्ट एज ऑफसेट मैंने कर दिया यहाँ से 2000 का मतलब हो गया 5-6 फिट कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4। नाउ मेक कॉर्नर्स 1, 2, 3 एंड 4, लाइक इस तरह से है। ओके किया मैंने, ओके करने के बाद अगेन यहाँ से मैं सेम सेलेक्ट करता हूँ, अगेन रेक्टेंगल लेता हूँ, यहाँ से मैंने इसे बनाया, स्लोप मैंने ऑन किया। अब यहाँ पे जो मैंने चारों एजेस को सेलेक्ट किया है और स्लोप मैंने ऑन किया है, तो मैं ये जो दो लाइनें हैं इधर और इधर की, इन दोनों के स्लोप को मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये आपका ओपनिंग बन जाएगा दोनों साइड से, ये देखिए। बस अब मुझे सेक्शन लगाना है और इसको सेट करना है, तो सेक्शन मुझे मिलेगा व्यू में, ये मैंने किया सेक्शन, और यहाँ से ये मेरा एलिवेशन है, इसको मैंने सेलेक्ट किया प्रॉपर तरीके से, एंड सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से मूव कर सकता हूँ फ्रॉम दैट पॉइंट टू दैट पॉइंट, ये मैंने किया, एंड देन सी ये देखिए, तो इस तरह से ओपनिंग आ गई यहाँ पे, क्लियर। यहाँ पे ग्लास वगैरह या जो भी हमें देना है वेंटिलेशन के लिए वो हम रख सकते हैं, बट इस तरह की ओपनिंग हम रूफ में इजिली दे सकते हैं। तो ये जो मेरा स्टाइल बन गया, ये मेरा बन गया डच गैबल, क्लियर। अभी मुझे बनाना है हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, लेवल 2 पे है, ये मेरा हेक्सागोनल शेप है, यहां से मैंने किया रूफ और यहां से मैंने किया सेलेक्ट, 2 फीट ओवरहैंगिंग लेना है मुझे, एंड देन सेलेक्ट, ओके। तो ये मेरा हेक्सागोनल शेप बन गया, ये देखिए इस तरह से, क्लियर। तो ये जितने भी टाइप थे मेरे, ये सारे थे रूफ के। एक लास्ट टाइप बच गया, वो भी सिंपल है, ज्यादा कुछ उसमें डिफिकल्ट नहीं है। एल शेप में अगर आपको बनाना है तो मेरी जो वॉल्स हैं विल लुक लाइक दिस, इस तरह से। अगर मेरे पास कोई प्लान है तो भी हम उसे सिंपली रूफ दे सकते हैं। और ये जो मेरा स्टाइल होगा, ये होगा आपका दिस वन क्रॉस हिप्ड। तो ये मैं कैसे बना सकता हूँ, लेवल 2 से मैंने इसे सेलेक्ट किया, एंड विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल सेलेक्ट दिस वन एंड दैट वन। ये बेस लेवल है मेरा 1 एंड टॉप लेवल है मेरा 2, मैंने सेलेक्ट करके अप्लाई कर दिया। नाउ आर्किटेक्चर, यहाँ से मैंने किया रूफ, अगेन सेलेक्ट दैट वन विद द हेल्प ऑफ टैब सेलेक्ट ऑल एंड देन ओके, सी ये मेरा बन गया क्रॉस्ड वन, ये देखिए। तो ऑलमोस्ट सभी जो टाइप की रूफ है वो हम, अब देखिए सिर्फ ऑप्शन एक है, लेकिन आप इसे रिजल्ट कितने भी बना सकते हैं, ये है आपकी डिटेलिंग के ऊपर, कि आप कितना अच्छे से चीजों को यूज किया है आपने, कितने अच्छे से आपने चीजों की प्रैक्टिस की है। देन मटेरियल के लिए सिंपल एडिट गए, यहां से एडिट किया सिंपली। अगर आपको मटेरियल के नाम याद भी रहते हैं या आपने कोड की फाइल बनाई हुई है, तो आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बाहर पेस्ट कर सकते हैं नाम उसका, तो भी वो आ जाएगा। मैं दिखाता हूं कैसे, तो मुझे वुड लेना है, वुड में मुझे लेना है दिस वन। अब इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसकी आइडेंटिटी है दैट वन, मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ जरा, ये देखो मैसेज क्या वही आ रहा है ना। तो डायरेक्ट अगर मैं उसको आइडेंटिटी को वहां से कॉपी करके किसी मेरे पास फाइल में होता, तो मैं डायरेक्टली उसे पेस्ट कर सकता था, तो अपने आप उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है पूरी फाइल में से, ये देखिए। अब क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी कॉमन है, डुप्लीकेट मैंने नहीं किया था, तो वो सभी के ऊपर आ गया, क्लियर। यस सर, इस तरीके से हम ये रूफ का जो पोर्शन है ये कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद
एक ऑप्शन और है यहाँ पे, बटरफ्लाई, और एक ऑप्शन है गैम्ब्रेल। बस ये दोनों मैं और कवर करा देता हूँ, और एक फिर ये डॉर्मर है, डॉर्मर का भी मैं आपको बता दूंगा, बट उसके लिए फिर हमें एक्सट्रूजन यूज करना पड़ेगा। पहले तो मैं बटरफ्लाई बता देता हूँ। कैन यू इमेजिन हाउ कैन वी मेक दैट दैट शेप बटरफ्लाई, कैसे बना सकते हैं? अब इतने सारे शेप हमने देखे, तो कोई आइडिया लगा सकते हो आप कैसे बटरफ्लाई बन सकता है? एक बार देखिए, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये शेप है बटरफ्लाई यहाँ पे, तो कैसे बन सकता है ये? स्लोप को नीचे से माइनस देना पड़ता सर। ओके, विल ट्राई, देखते हैं जरा। लेवल वन मेक अ शेप लाइक दिस। यहां से हमने लिया रूफ फुटप्रिंट। लेवल टू दिस वन, इसे किया हमने सेलेक्ट। अब ये दोनों तो हमारे क्या हो जाएंगे, ऑफ, या फिर ये दोनों करेंगे? बताइए, हॉरिजॉन्टल को मैं क्या बोल रहे जो हॉरिजॉन्टल मेरी लाइंस हैं उनको, स्लॉप को मुझे ऑफ करना पड़ेगा, या वर्टिकल को, अगर मुझे इस तरह का इफेक्ट चाहिए तो? दिस वन वर्टिकल वाले निकाल देंगे सर। वर्टिकल वाले निकाल देंगे, चलिए मैं वर्टिकल वालों को निकाल देता हूँ। ये मैंने शॉर्ट लेंथ वाले, नॉट शॉर्ट लेंथ वाले, दैट इज हॉरिजॉन्टल। ओके, ये मैंने लिया, ये मैंने हाफ ऑफ किया, एंड देन ओके, सो लुक लाइक दिस। ये देखिए, शॉर्ट लेंथ वाले निकाल देंगे सर। ये आ गया मेरे पास। तो अभी आप क्या कह रहे हैं, इसको, इसके स्लोप को मुझे माइनस करना है ना? ओके, सो ये मैंने किया यहाँ से माइनस 6 inches, एंड देन अप्लाई। ग्रेट, ये देखिए, तो ये मेरी शेप बन गई, जितना भी मुझे चाहिए वो मैं यहाँ से माइनस 4 inches ये मैं ले सकता हूँ। ये देखिए, ये मेरा बटरफ्लाई शेप बन गया। गुड, तो ये भी एक तरीका है। एक तरीका और भी है, वो मैं आगे आपको एक्सट्रूजन में बता दूंगा, बट ठीक है, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये मेरा हो गया बटरफ्लाई। उसके बाद एक शेप है गैम्ब्रल, अगर मुझे इस तरह का बनाना है तो फिर कैसे बनेगा गैम्ब्रल? अगेन इमेजिन हाउ कैन वी मेक दैट शेप गैम्ब्रल, बता सकते हैं आप? फ्लैट, जहां पे स्लोप्स हम लोग क्या बोलते सर, इसको हम लोग ड्रा करना पड़ता बाय थ्रू एक्सट्रूजन। या तो वो जो शेप है उसके थ्रू हम ये कर लेंगे, गैम्ब्रल कर लेंगे। इसमें हम मेथड कर सकते हैं, मेथड हो जाएगा इसी के अंदर। एंड एम शेप भी कर सकते हैं हम, जिसमें एक हमारा यहाँ पे मिडिल में आ रहा है, यहाँ पे बटरफ्लाई वाला शेप, और बाहर है हमारा नॉर्मल वाला स्लॉप शेप। तो ये भी आप बना लेंगे, इसमें भी आपको इश्यू नहीं आएगा। तो मैं एक आपको गैम्ब्रल का बता देता हूँ एक्सट्रूजन के साथ। बस बाकी जो पिरामिड हिप है उसमें कुछ नहीं है, अगर स्क्वायर आपकी वॉल्स हैं तो अगर आप बनाओगे तो आपका इसी पिरामिड हिप में बन जाएगा, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो देखिए, मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूं। So for that, यहाँ से हमने लिया वॉल्स, और ये एक शेप मैं यहाँ पे या इसी पे बना लेते हैं। ये जो मेरी शेप है ना यहाँ पे, इसी पे बना लेते हैं। See, इसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट दैट वॉल, टू लेवल टू Select all, अभी रेफरेंस के लिए आगे पीछे हुई है तो इनको छोड़ देते हैं अभी के लिए। पहले
मैं डायरेक्ट आपको बैक साइड से करना बता देता हूँ। तो यहाँ से पहले मुझे लेना पड़ेगा सेक्शन, लाइक लेवल टू पे गए, व्यू पे गए, ये मैंने लिया सेक्शन, इसको मैंने किया एक्टिवेट, तो ये मेरे पास आ गया। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन मुझे मिल जाएगा एक्सट्रूजन, रूफ बाय एक्सट्रूजन। तो एक्सट्रूड करके अगर मुझे कोई भी शेप बनानी है तो मैं बना सकता हूँ। इसमें भी मेरे पास जो फेस है वो मुझे मिल गया, लाइक ये, एंड इसका जो भी मिडिल पॉइंट है वो मुझे चेक करना पड़ेगा कहाँ पे इसका मिडिल है। तो मैं कंप्लीट लाइन बनाता हूँ, ये इसका मिडिल है, तो मुझे आई थिंक यहाँ तक चाहिए। ये वाली वॉल मैंने डिलीट किया एंड ये वाला शेप मैं ले लेता हूँ यहाँ तक। ठीक है जी, इसको मैं करता हूँ कॉपी, सॉरी मिरर, ये मैंने सेलेक्ट किया मिरर, पिक प्लेन, ये मेरा अपोजिट साइड आ गया एंड देन ऑफ। अभी मैं करता हूँ ओके। अभी ये कह रहा है बेस स्केच फॉर रूफ इज इनवैलिड, जो स्केच है मेरा विच इज इनवैलिड। तो अगर मैं इसे करता हूँ यहाँ से क्लोज एंड देन ओके, सो ये देखिए विल लुक लाइक दिस। तो ये मेरा बन गया कैम्बर, इसको मुझे जो भी हाइट रखना है इधर वो मैं रख सकता हूँ। इसका मैं स्टार्ट और एंड यहाँ से भी डिफाइन कर सकता हूँ। स्टार्ट मैंने कर दिया भाई -3 फिट तक होना चाहिए और एंड मेरा होना चाहिए 45 फिट तक। ये कितना होगा एक बार ज़रा देख लेते हैं, 35 35 40। हाँ जी, तो ये देखिए ये बना। इसमें मैंने सेलेक्ट करके ऐसे प्रेस किया एंड देन यहाँ से मैं दे देता हूँ अटैच विद दिस। तो ये भी शेप हम बना सकते हैं, और इवन इसके अलावा अगर मुझे राउंड शेप बनानी होती या स्मूथ शेप बनानी होती तो वो सारी शेप आप इसके साथ बना सकते हैं विद एक्सट्रूजन। जैसा स्मूथ इसमें दिखाया हुआ है ऐसा स्मूथ भी बना सकते हैं, और कोई भी शेप जो कि आप डायरेक्ट फुटप्रिंट से नहीं बना सकते वो सारी की सारी शेप आप यहाँ पे एक्सट्रूजन से बनाएंगे। ठीक है, तो That is all about roof. ये दो ऑप्शन मैंने कवर किए हैं, फुटप्रिंट और एक्सट्रूजन। ये दोनों आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सेशन में आगे के टॉपिक देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। ओके, वेलकम, बाय।